सिक्किम भारत के नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में सबसे खूबसूरत राज्य है, जो अपनी खूबसूरती और बायोडायवर्सिटी की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है। साथ ही दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा भी इसी राज्य में मौजूद है। भारत के लिए सिक्किम एक हेरिटेज के अलावा भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक ऐसा राज्य है जिससे भारत चीन जैसे देश पर नजर रख पाता है। यानी अगर सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं होता तो शायद चीन भारत के कई और राज्यों को भी अपने कब्जे में ले लेता। लेकिन दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आजादी के 28 साल तक सिक्किम भारत में शामिल नहीं था, लेकिन साल 1975 में बहुत सारे प्रयास के बाद कहीं जाकर सिक्किम भारतीय गणराज्य का हिस्सा बन पाया था। क्या था वो ऑपरेशन जिसे पूरा करने के लिए रॉ ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, आइए जानते हैं। ये बात आपको पता ही होगी कि आजादी के समय भारत में कई राज्य अलग अलग बिखरे हुए थे। उन्हीं अलग अलग बिखरी हुई रियासतों में एक रियासत या कहें कि राज्य सिक्किम भी था, जो भारत का हिस्सा नहीं था। उस समय वहां चोग्याल वंश का राज था। 1947 में सरदार पटेल चाहते थे कि बाकी रियासतों की तरह सिक्किम को भी भारत से जोड़ लिया जाए, लेकिन जैसा कि आपको पता ही होगा कि हिंदी चीनी भाई भाई वाले नेहरू को चीन की ज्यादा फिक्र थी, इसीलिए उस समय नेहरू ने सिक्किम को भारतीय गणराज्य में शामिल करने पर उतना जोर नहीं दिया। लेकिन बाद में समय बीता और इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी और उन्होंने अपने सहायक पीएन धर को इस बारे में बताया। उनके अनुसार नेहरू चीन को लेकर रिश्तों में सावधानी बरत रहे थे, लेकिन अब इंदिरा गांधी ऐसा कुछ नहीं चाहती थी, बल्कि उनका मानना था कि अगर वो सिक्किम के मामले में रियायत देंगे तो चीन भारत पर और खतरनाक रूप ले लेगा। इसीलिए अब जरूरत थी कि सिक्किम का कुछ किया जाए। नेहरू के जमाने में 1950 में भारत और सिक्किम के बीच एक ट्रीटी साइन हुई, जिसके अनुसार सिक्किम भारत का प्रोटेक्टोरेट राज्य बन गया, जिसका मतलब ये था कि सिक्किम में राज तो वहां के राजा का ही होगा, लेकिन उसके डिफेंस और विदेश मामलों से जुड़े मुद्दे भारत सरकार देखेगी। साल 1964 तक ऐसा ही चला। फिर नेहरू की मौत के बाद सिक्किम के राजा पलडेन नामग्याल बदलाव की मांग करने लगे। उनका कहना था कि 1950 की ट्रीटी में बदलाव करते हुए सिक्किम को भूटान जैसा स्टेटस मिले, यानी एक अलग स्वतंत्र देश जैसा कि भूटान आज है। इसी वजह से वो इस ट्रीटी में बदलाव करने के लिए 1967 में भारत आए और उन्होंने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मुलाकात की। सब कुछ सही था, लेकिन आर्मी चीफ ने कहा कि आप सिक्किम के साथ जो भी कीजिए, मुझे वहां अपनी सेना को लेकर पूरी आजादी चाहिए। और अब ये होते होते साल 1970 का समय आ चुका था और सिक्किम में बदलाव की आग लग चुकी थी। लेकिन अगले ही साल सबका ध्यान गया 1971 की जंग पर। 71 का युद्ध निपटा तो इंदिरा ने इस तरफ ध्यान दिया और एंट्री हुई रॉ की। रॉ को इस काम के लिए तलब करते हुए इंदिरा ने रॉ के चीफ आरएन काओ से पूछा, क्या तुम सिक्किम का कुछ कर सकते हो? इंदिरा चाहती थी कि सिक्किम का भारत में पूरी तरह से विलय करा लिया जाए। इसके बाद सिक्किम को लेकर तब एक योजना तैयार की गई। पीएन बनर्जी तब रॉ में जॉइंट डायरेक्टर के पद पर तैनात थे। सिर्फ 4 दिनों में उन्होंने एक प्लान बनाया और आरएन काओ ने उस प्लान को इंदिरा के सामने पेश किया। इंदिरा ने प्लान पर मुहर लगा दी। बेसिकली प्लान ये था कि चोग्याल राजशाही, जो सिक्किम को अलग देश के तौर पर चाह रहे थे, उनको धीरे धीरे कमजोर किया जाए और इसके लिए सिक्किम की लोकल राजनीतिक पार्टियों से मदद ली जाए। तब उस समय सिक्किम नेशनल कांग्रेस के लीडर हुआ करते थे काजी लैंडुप दोरजी, जिन्होंने पहले ही राजा के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी थी। वहां जनता भी लोकतंत्री चाहती थी। सवाल ये था कि कैसे भी एक इलेक्शन कराया जाए जिसमें काजी की पार्टी की जीत हो। इसके बाद आरएन काओ ने अपने 2 अफिसर इस काम पर लगाए। 1973 की शुरुआत में 2 ऑपरेशन एक साथ शुरू किए गए, ऑपरेशन जनमत और ट्वेलाइट। असल में ये नाम दिए गए थे सिक्किम नेशनल कांग्रेस के 2 नेताओं को, काजी और केसी प्रधान, जिनके सहयोग से ये सारी कहानी चल रही थी। फरवरी 1973 में रॉ की टीम ने काजी और प्रधान से मुलाकात की और सिक्किम प्लान शुरू हो गया। इसी दौरान रॉ को ये भी पता चला कि CIA पहले ही चोग्याल के राजा से मिल चुका था और CIA का एक एजेंट नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में रह रहा था। बनर्जी ने सीधे काओ को इस बात की जानकारी दी। दिल्ली में तुरंत रॉ की एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई और यह कहा गया कि ऑपरेशन को और तेजी दी जाए।
तेजी लाने के लिए जनता का विरोध इस लेवल पर पहुंचाया जाए कि मजबूरी में चोग्याल को भारत से मदद मांगने के लिए आना ही पड़े। 4 अप्रैल 1973 को एक खास घटना हुई। उस दिन चोग्याल राजा का 50वां बर्थडे था, इसलिए राजभवन में जश्न चल रहा था, लेकिन सड़कों पर राजशाही के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा था। इस दौरान चोग्याल राजा के बेटे टेजिंग राजभवन के रूट पर जा रहे थे, तब लोगों ने उन्हें बीच में ही रोक लिया। इसी बीच उनके गार्डों ने लोगों पर गोली चला दी, जिससे 2 लोगों की जान चली गई। इसी को लेकर पूरे सिक्किम में चक्का जाम हो गया और आखिरकार राजा को सरकार की मदद मांगनी पड़ी, जिसके बाद सिक्किम और भारत के बीच एक समझौता हुआ, जिसमें लिखा था कि भारत सिक्किम के एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन को अपने हाथ में लेगा और सिक्किम पुलिस भारतीय सेना के अंडर काम करेगी। इसके बाद सिक्किम नेशनल पार्टी ने आंदोलन खत्म किया। 8 मई को एक और समझौता हुआ, जिसके तहत चोग्याल राजा के पास सिर्फ राजभवन और वहां के गार्ड्स का नियंत्रण रह गया। मामला काफी हद तक सुलट चुका था, लेकिन काओ के सामने एक और परेशानी थी। इंदिरा ने काओ से कहा था कि सिक्किम का भारत में पूरा विलय कराना है, इससे कम में वो किसी भी सूरत में राजी नहीं थी। यानी राजभवन और वहां के गार्ड्स भी भारत के कंट्रोल में आने थे। इसी के लिए काओ का काम अभी खत्म नहीं हुआ था, जिसके बाद 1974 में सिक्किम में चुनाव हुए। काओ ने जैसा सोचा था वही हुआ। काजी की सिक्किम नेशनल कांग्रेस को भारी बहुमत मिला। चोग्याल को अंदाजा हो चुका था कि अब राजभवन भी उनके हिस्से में नहीं आना है, इसीलिए उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर यह मुद्दा उठाना शुरू किया। इसे देखते हुए रॉ ने सिक्किम ऑपरेशन का आखिरी हिस्सा शुरू किया, जिसके तहत जरूरी था कि बिना खून खराबे के राजभवन भी कंट्रोल में आ जाए। इस काम की शुरुआत विधानसभा से होनी थी, जहां काजी और उनकी पार्टी ने द गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम एक्ट 1974 सदन में पेश किया। एक्ट पारित हुआ और सिक्किम भारत का एसोसिएशन स्टेट बन गया। पूर्ण राज्य बनाने के लिए रेफरेंडम जरूरी था, उससे पहले एक आखिरी कदम जरूरी था, यानी राजभवन को अपने नियंत्रण में लेना, जहां भारी मात्रा में सिक्किम गार्ड तैनात थे और ये सब राजा के वफादार थे। बिना विधानसभा की अनुमति के सेना सीधे राजभवन पर कब्जा नहीं कर सकती थी। रॉ के प्लान के तहत सबसे पहले गैंगटॉक में प्रदर्शन शुरू हुए और मांग उठी कि राजभवन को राज्य के अधीन किया जाए और सिक्किम गार्ड्स को वहां से हटाया जाए। इसके बाद चोग्याल को लेकर योजना तैयार हुई, जिसके अनुसार चोग्याल को राजभवन से हटाकर इंडिया हाउस ले जाया जाएगा और बाद में उन्हें गैंगटॉक के बाहर एक गेस्ट हाउस में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये सब तय होने के बाद सिक्किम नेशनल कांग्रेस के लीडर काजी ने भारतीय अधिकारियों को 2 लेटर लिखे, जिसमें उन्होंने आर्मी की मदद की मांग की। इसके बाद 8 अप्रैल को सेना की 3 बटालियन राजभवन पहुंची। सिक्किम गार्ड्स ने थोड़ा विरोध दिखाया, लेकिन 20 मिनट के अंदर राजभवन को सेना ने अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद पूरे सिक्किम में विधानसभा की देखरेख में एक रेफरेंडम कराया गया, जिसमें 97% जनता ने भारत में विलय के पक्ष में अपना वोट दिया। और इसी के तहत 16 मई 1975 को सिक्किम पूरी तरह से भारत का 22वां राज्य बन गया। तो दोस्तों, ये थी सिक्किम के भारत में मिलने की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।